रहमान रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको बहुत बहुत ईद का चांद मुबारक हो। तो इसी के साथ वीडियो लेकर आई हूँ ईद के ही हवाले से। ईद का नया सूट आपकी अफ़ार टलवा सकता है माशाल्लाह से। जैसा कि हज़रत साहब ने बहुत ही आसान छोटा सा अमल बताया कि ज़रूरी तो नहीं कि हम ईद के लिए नया जोड़ा नया ही जूता लें, मतलब जो भी मुनासिब कपड़े हों आप पहन लें साफ़ सुथरे। और लेकिन पहनते वक़्त पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह पढ़ लें, तो इसके पढ़ने से अल्लाह ताला हसद कीना नज़र जादू जिन्नात बहुत से असरात से हिफाजत में ले लेते हैं, हसान में ले लेते हैं और भी बेशुमार अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साए में ले लेते हैं। सिर्फ़ ये छोटा सा अमल है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह कहने की बरकत है कि अल्लाह ताला जब तक ये जोड़ा आपके तन पर रहता है आपको खुशियाँ ही खुशियाँ और बहुत ही आपको अपनी रहमतों के साए में रखते हैं। ये हज़रत साहब के इस क्लिप दर्स का मफहूम था जो कि मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि आपसे शेयर करूं, क्योंकि ये छोटे छोटे अमाल ही हैं जो हमसे छूट रहे हैं और हम जो हैं बहुत से मसाइल में इन छोटे छोटे अमाल को छोड़ने की वजह से मुब्तला हैं। फिर हम इधर उधर कोई ना कोई वसीले तलाशते रहते हैं जबकि हल तो सिर्फ हमारी कुरान और सुन्नत में ही है, जो कि हम भूल चुके हैं, जो कि हमें वक्तन फ़वक्तन याद करने की ज़रूरत है कि हर चीज़ का हल तो कुरान और सुन्नत नबी में है। तो कल माशाल्लाह से इंशाल्लाह ईद का जोड़ा पहनते वक्त पहला कलमा पढ़ना मत भूलें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को शेयर करना मत भूलें। ये आपका बहुत ही प्यार है और नेकी में एक हिस्सा है कि किसी की तरफ भी हमारी ये भलाई अच्छाई पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बेशुमार खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को हल करे। माशाल्लाह से कल बड़ा ही प्यारा मुबारक दिन है, अल्लाह ताला हैर हरियत से गुजारे। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम।